शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, 2 करोड़ रुपए स्वीकृत कराने की बात की। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन आज शनिवार को अचानक अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर और नर्स के साथ बैठक की और उनकी चर्चा की। वहां उन्होंने अस्पताल में क्या कमी है उसके बारे में भी डॉक्टर से चर्चा की और डॉक्टर से कहा कि अस्पताल में किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी एक सूची बना कर दें। साथ ही उन्होंने कहा कि बाल शिशु गहन चिकित्सा इकाई और विकसित करना है, इसके लिए वह मध्य प्रदेश शासन से 2 करोड़ रुपए स्वीकृत कराएंगे। ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पाइप की बात कही। उन्होंने कहा कि सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे अस्पताल का पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा। साथ ही उन्होंने स्टाफ की भी कमी की बात कही और उन्होंने डॉक्टर से सूची मांगी है कि किस तरह से और डॉक्टर को लाया जाए। आप आपने यहाँ मीटिंग ली है डॉक्टर नर्सेज की, क्या कुछ मामला दर्शाइए और क्या कुछ निर्देश दिए आपने? मामला कुछ नहीं, शिवपुरी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने में आया था और ये देखने भी आया था कि किस चीज की आवश्यकता है, कौन सी कमियां हैं जो अपन दूर कर सकते हैं। डॉक्टरों से विचार विमर्श के उपरांत बाल शिशु मात्र एवं शिशु बाल गहन चिकित्सा इकाई अपन एक और नए रूप में बनाए, उसके लिए कोशिश करूंगा मैं कि 2 करोड़ रुपया अपन मध्य प्रदेश शासन से स्वीकृत कराए। एक ट्रॉमा सेंटर का भी मामला आया था कि ट्रॉमा सेंटर में कुछ कमियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा हुई उस पर। ट्रॉमा सेंटर का बता रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन का वहां तक पहुंचाना डायरेक्ट लाइन, वो डायरेक्ट पाइपलाइन से जाएगा, पाइपलाइन अभी है नहीं, फिर अपन को सिलेंडर खरीदना पड़ते हैं और उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है। जब वो पाइपलाइन डल जाएगी तो अपना पैसा बचेगा हॉस्पिटल का। कुछ स्टाफ की भी कमी बताया है? बिल्कुल, मैंने कहा कि जो बहुत कंपलसरी है, पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी तो है ही, बाकी जो बहुत आवश्यक हैं हम उन डॉक्टर्स को लाएंगे। मैंने कहा कि आप सूची दे दीजिए। व्यवस्थाएं कैसे लगी अस्पताल की? बहुत साफ सुथरा, अच्छा। ठीक है।